तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हमारा लेक्चर 5 यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी एक सीरीज यहाँ पे चल रही है क्लास 10th हिस्ट्री, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके ऊपर हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें ऑलरेडी अभी तक हमने 4 लेक्चर्स उसमें दिए हैं। अगर अभी तक कोई लेक्चर आप लोगों ने मिस किया है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आज हमारा जो लेक्चर 5 है, हमारा टॉपिक है आज स्टेट। स्टेट जिसको हम राज्य बोलते हैं, ओके। स्टेट जो है, मैं आपको बताऊं कि स्टेट राज्य होता है, स्टेट कंट्री होती है। पॉलिटिकल साइंस में हम बोलते हैं स्टेट, वहां पे कंट्री नहीं बोलते। एंड अकॉर्डिंग टू गार्नर पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट। ये स्टेट टर्म जो है इसको मैकाउली ने दिया था, थॉमस मैकाउली ने, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कहा जाता है। उसकी बुक का नाम द प्रिंस, उसकी बुक का नाम जो है द प्रिंस, जो स्टेट करप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें थॉमस मैकाउली लिखता है कि स्टेट कैसा होना चाहिए, राज्य में कौन कौन से चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है राज्य में। तो ये पूरी किताब है द प्रिंस, जिसको थॉमस मैकाउली ने लिखा था। दिस बुक इज बेस्ड ऑन स्टेट क्राफ्ट। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, स्टेट क्या होता है। द टर्म स्टेट मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पीपल हु लिव विद इन ए ज्योग्राफिकल एरिया under the organized government and subject to no outside control। ये स्टेट जो होता है बेसिकली ये भी एक एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। नंबर वन, who live within a geographical area, जो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं, जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं। नंबर टू, under the organized government, जिनकी एक गवर्नमेंट होती है, ओके। हर किसी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, जो उस स्टेट को रन करता है। एंड सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल, और ये जो स्टेट होता है इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, मतलब ये सवरेन होता है, ओके। ये सवरेन होता है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये खुद अपने डिसीजंस लेता है, ओके। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम यहां पे स्टेट कहते हैं। तो स्टेट क्या है? पीपल, सबसे पहले पॉपुलेशन, सेकंड जो एक टेरिटरी में रहते हैं, थर्ड जिनके पास अपनी गवर्नमेंट होती है, एंड लास्ट जो जिनके पास सवरेनिटी होती है, जो सवरेन होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं। इसलिए मैंने यहां पर लिखा 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। There are 4 elements of state। ये state जो होता है, जो राज्य होता है, इसके 4 elements होते हैं। ये 4 elements का बना हुआ होता है ये state। क्या क्या? पहला population, जो हमने यहां पे देखा population। बच्चों याद रखो, हर किसी state की अपनी population होती है। एक state जो होता है ना, इसमें लोग रहते हैं। आप किसी भी स्टेट को ले लो, वहां की अपनी पॉपुलेशन होगी। जैसे हम लोग, वी पीपल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडियन स्टेट, हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का एक हिस्सा है। हम कहेंगे कि देयर आर 1.3 बिलियन इस टाइम जो हमारी पॉपुलेशन है। हर किसी स्टेट की अपनी पॉपुलेशन होगी, नंबर वन। नंबर टू, टेरिटरी, डेफिनेट टेरिटरी, एक स्टेट की अपनी टेरिटरी होती है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये टेरिटरी है स्टेट की, यहां पे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। एक स्टेट की अपनी डेफिनेट टेरिटरी होती है, ओके। जैसे हम कहेंगे कि ये हिंदुस्तान है, अगर हमें मैप पे दिखाना होगा, हम कहेंगे ये हिंदुस्तान है, ये टेरिटरी इंडिया है, ओके। तो एक स्टेट की अपनी एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, जो डिफाइंड होती है, ओके, विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली।
एंड द थर्ड एलिमेंट इज गवर्नमेंट. याद रखिए, गवर्नमेंट स्टेट का एक एलिमेंट होता है. गवर्नमेंट हर किसी स्टेट का अपना अपनी गवर्नमेंट होती है. जो गवर्नमेंट उस स्टेट को रन करती है, उस स्टेट को चलाती है, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. अगर गवर्नमेंट नहीं होगा तो लॉलेसनेस हो जाएगा, तो माइट इज राइट हो जाएगा. ओके, अगर छोटे से छोटा इदारा हो, कोई छोटा सा इंस्टीट्यूशन हो, उसको रन करने के लिए भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है. अब इतना बड़ा स्टेट हमारा है, इतनी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, अब इतने लोगों को चलाना है, इसके लिए गवर्नमेंट तो होनी चाहिए. तो तीसरा एलिमेंट बेटा आप याद रखेंगे, दैट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो होता है ये स्टेट का एलिमेंट होता है, जो स्टेट को रन करता है, जो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है. आई होप यू गॉट इट. द लास्ट एलिमेंट दैट इज सॉवरेंटी. सॉवरेंटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी. खुद मुख्तारी मींस इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट. ओके, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा, एक स्टेट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ये पीपल जो है ना, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. ये इंटरनली फ्री होने चाहिए एंड ये एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सॉवरेनिटी मींस इंटरनली फ्री एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट. जैसे हम कहेंगे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, मतलब पॉपुलेशन तो हमारी थी, टेरिटरी तो हमारी थी, अब हमने सॉवरेनिटी हासिल की ब्रिटिश से. सॉवरेनिटी का मतलब हमने खुद मुख्तारी हासिल की. ओके, जब तक सॉवरेनिटी नहीं होगी तब तक स्टेट नहीं बनेगा. कीप इन माइंड ये चार एलिमेंट्स हैं जिससे स्टेट बनता है. पॉपुलेशन, लोग, टेरिटरी, जमीन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी. अगर एक भी एलिमेंट लैक करेगा तो स्टेट नहीं बनेगा. आई होप यू गॉट इट. यस सर. ये टर्म मैकाउली ने दी थी, जैसे मैंने पहले ही कहा, मैकाउली को फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म कहा जाता है और उसकी फेमस बुक है द प्रिंस विच इज बेस्ड ऑन स्टेट क्राफ्ट. उसमें वो लिखता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए. अब यहां पे क्वेश्चन एक और है, दैट इज पैट्रियटिज्म. कि सर पैट्रियटिज्म क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा नेशनलिज्म, अब है पैट्रियटिज्म. What is difference between nationalism and patriotism? आज मैं आपको बताऊं, patriotism की छोटी सी definition मैंने लिखी. Love for one's country, state is called patriotism. Patriotism वो feeling है जिसमें हम लोगों में क्या होना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने state के लिए हमारे दिल में respect और मोहब्बत होनी चाहिए. वो जज्बा जिसमें एक इंसान के दिल में मोहब्बत होती है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, उस फीलिंग को हम कहते हैं पैट्रियटिज्म. अपने देश के लिए मर मिटना, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना, उस एहसास को, उस जज्बे को हम पैट्रियटिज्म कहते हैं. एंड पैट्रियटिज्म इज गुड. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई. जो ये कहेगा, जो इस पे अमल करेगा, जो कहेगा कि पहले मेरा स्टेट है फिर लोग हैं. ओके, डोंट गो फॉर रिलीजन प्लीज, डोंट गो फॉर कॉस्ट, डोंट गो फॉर कलर, लैंग्वेज. आप कहो ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ, बिना रंग, बिना नस्ल, बिना जात, हम लोग सभी हैं, हमारा देश एक है और हमारे देश के लिए मोहब्बत होना, उस फीलिंग को, उस एहसास को हम पैट्रियटिज्म कहते हैं, जिसको हम वतन परस्ती कहते हैं. ओके, एंड हमें होना चाहिए वतन परस्ती. नेशनलिज्म अलग चीज है, पैट्रियटिज्म अलग चीज है. नेशनलिज्म में एक इंसान अपने नेशन से मोहब्बत करता है, और जरूरी नहीं है कि वो नेशन वहां पर स्टेट हो. हमने देखा नेशन ग्रुप ऑफ पीपल होता है, किसी इलाके में, किसी देश में बहुत सारे नेशंस होते हैं. अगर एक इंसान अपने नेशन से मोहब्बत करता है, दैट इज नेशनलिज्म. और जो मैं आपसे कहूं कि नेशनलिज्म इज बैड,
Because nationalism world war first का एक main cause था, nationalism world war second का एक main cause था, जिसमें lakhs of people, millions of people मारे गए. Okay, I like patriotism and you should also love and respect your country. Okay? Yes, sir. Yes. Thank you.